नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, ये मेरी अफीम की फसल है और लगभग हो चुकी है 2.5 महीने की, क्योंकि इसकी बुआई 24 अक्टूबर को की गई है, दिवाली से 2 दिन पहले। किसान साथियों, अब मेरी अफीम की फसल में कलियां निकल आने लगी हैं फूलों की, और बहुत सारे किसान भाइयों के भी सेम समय की ही बुआई की गई है। तो इस कंडीशन में अभी बहुत सारे किसान भाइयों की फसल हैं, तो इस कंडीशन में कौन सा फंजीसाइड का स्प्रे किया जाए, कौन से खाद का प्रयोग किया जाए, कौन से टॉनिक का प्रयोग किया जाए, ताकि हमारे जो पौधे में जो कलियां निकल रही हैं वो बड़ी हो, फूल बड़े हो, फल बड़े हो, साथ ही साथ पौधे में फुटाव अधिक हो ताकि कलियां अधिक निकल सके। फसल भी अभी भी वेजिटेरियन ग्रोथ पर हैं इस समय, इसमें फंगस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना फसल कमज़ोर हो जाएगी और कमज़ोर फसल से कमज़ोर उत्पादन होगा। तो हमें यदि अच्छा और बेहतर उत्पादन लेना है तो अपनी फसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसे रोगों से लड़ने की क्षमता देना है, इसमें एनर्जी कूट कूट के भर देना है। कुल मिला के आपकी अफीम की फसल स्वस्थ और हेल्दी रहनी चाहिए, तभी इससे बेटर से बेटर प्रोडक्शन आपको मिल सकता है। तो किसान साथियों, इस अवस्था में मैं कौन सी दवाइयाँ और खाद का प्रयोग कर रहा हूँ, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये दवाइयाँ स्प्रे किए हुए 3 से 4 रोज ही हुए हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, इसका रिज़ल्ट जो 15 दिन की अवधि तक है वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि अच्छा देखने को मिलेगा। आप चाहे तो ये डोज आप भी ले सकते हैं। डोज का प्राइस कुछ ज़्यादा हुआ है, लगभग 2,500 के आसपास, लेकिन जितनी कीमत लगी है उतना फ़ायदा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं क्या ले रहा हूँ मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो चलिए किसान भाइयों, जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं M45 यानी मेनकोजेब 75WP, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यह काम करता है। 250 ग्राम की मात्रा लिए मैंने 10 हरी के लिए, 5 टंकी का मैं स्प्रे करूँगा 20 लीटर वाली, और यह है मेलोडी ड्यू बायर कंपनी के। इसमें भी 2 प्रकार के फंजीसाइड हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक, और ये हैं एमिडा लोक्रेट 17.8 SL, एक रस चूसक कीटों के लिए और फल मक्खी यदि हो तो उसके नियंत्रण के लिए बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है, बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता है इसको आपको। और यह है कासुगा माइसिन, जो एक बढ़िया फंजीसाइड भी साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक भी है, इसकी भी 100 ग्राम की मात्रा ली है। ये प्रोडक्ट मैं क्यों ले रहा हूँ इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में ले रहा हूँ मैं एक बायो टॉनिक, जीवाग्रो के नाम से मिल जाता है आपको ये, इसके लिए मैंने 250 ग्राम की मात्रा। और साथ में ले रहा हूँ मैं एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, जो 11, 36, 24 के नाम से NPK के फार्म में मिलता है। ये देखिए, ये भी क्यों ले रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फंजीसाइड M45 के बारे में। तो किसान साथियों, बहुत ही पुराने काल से चला आ रहा है, या बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है M45 फंजीसाइड, जो कि एक कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, बहुत सस्ता है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसके तोड़ के जैसा अभी तक कोई फंजीसाइड बना नहीं है। ये न अफीम की केवल बहुत सारी फसलों की बहुत सारी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही आपने छिड़काव किया, कॉन्टैक्ट के इसमें जब फंगस आ जाती है तो उसका मरना वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने हमेशा जब भी दूसरा तीसरा छिड़काव करता हूं तो M45 का ज़रूर यूज़ करता हूं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है,
सिस्टमेटिक तरीका नहीं है जो पौधे को इससे कोई हानि नहीं होती है। और दूसरा मैं ले रहा हूँ मेलोडी ड्यो, जो कि बायर कंपनी का है। इसमें दो प्रकार के टेक्निकल एक्शन साथियों, नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और कितना परसेंटेज है ये भी आप मोबाइल की स्क्रीन पर या अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इसलिए ले रहा हूँ कि एक तो इसमें जो एक कॉन्टेक्ट तरीके का जो फंजीसाइड है वो कॉन्टेक्ट के ज़रिए फंगस को मारेगा, वो जो दूसरा सिस्टमेटिक फंजीसाइड है वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। मेलोडी ड्यो बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है और हमेशा मैं अफीम की फसल में एक न एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करता हूँ। आप चाहे तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। यदि आप इस फंजीसाइड के बारे में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान साथियों, इसके बाद ले रहा हूँ मैं एक जो कीटनाशक है इमीडा लोकप्रीट 17.8 SL के नाम से आपको बाज़ार में मिलता है। यह एक बहुत ही कारगर रस चूसक कीट नियंत्रक है और इसके बहुत ही कम मात्रा आपको अपनी अफीम की फसल में देना है। साथ ही साथ इसके रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक मिलते हैं। आप अफीम की फसल के अलावा अन्य जिस फसलों में भी रस चूसक कीटों का आक्रमण हो उसमें इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यह फल मक्खी होती है उसको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो अगला जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं कासुबी के नाम से धनुका कंपनी का है और जिसका जो टेक्निकल है वो है कासुगा मेसिन 3% SL। यह एक एंटोबायोटिक और एक फंजीसाइड है, साथ ही साथ एक बैक्टीरियासाइड है और ये एक सिस्टमेटिक बैक्टीरियासाइड है और सिस्टमेटिक फंजीसाइड के रूप में कार्य करता है। इसकी जो एंटीबायोटिक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के कारण यह पौधों में बहुत तेज़ी से फैल जाता है और रोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। कासुबी का उपयोग रोगों की रोकथाम के अलावा उसमें जो रोग हो गए उनके इलाज के लिए भी किया जाता है। इसके उपयोग से आप अपनी अफीम की फसल में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल रोट और जो बैक्टीरियल स्पॉट है या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है उन रोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो दो फंजीसाइड हमने यूज़ किए हैं मेलोडी ड्यो और जो M42, उसका यूज़ हमें डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी के नियंत्रण के लिए करना है। और ये जो कासुबी मेसिन जो ये जो फंजीसाइड है इसका प्रयोग आप उपरोक्त रोगों में कर सकते हैं, इसलिए इसकी आपको 100 ग्राम की मात्रा लेना है। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एक टॉनिक, बायोटॉनिक यानी जैविक टॉनिक है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस जीवाग्रो कंपनी का ये टॉनिक है और ये 250 ग्राम की मात्रा में लिया है, 50-50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। चूँकि मैं 20 लीटर की 5 टंकी हमेशा इस अवस्था में अपनी फसल में करता हूं, क्योंकि अब फसल बड़ी हो चुकी है, हमें पानी अधिक मात्रा में लेना है और पूरी जो फसल है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो 20 हिसाब से लीटर के हिसाब से 5 टंकी का 100 लीटर पानी में 10 आरी में यूज़ कर लेता हूं। हमेशा आपको पानी अधिक लेना है ताकि किसी भी फंजीसाइड का आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए, पौधा उसे अच्छी तरह से अवशोषित कर ले। हर एक पत्ते पे आपके फंजीसाइड जब स्प्रे करें तो कुछ बूंदे आपके जरूर गिर जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट में फंगस आ जाएगी तो वो वहीं से मरना शुरू हो जाएगी। यदि किसी पत्ते पर नहीं गिरी तो सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पौधे में फैल जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फंजीसाइड ज़रूर लेना है जब भी आप यूज़ करें। अगले जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं वो है 11-36-24। ये NPK का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, एक स्टार्टर ग्रेड का फर्टिलाइज़र है। आपकी फसल में आपने खाद ज़रूर दिया होगा ज़मीन से, लेकिन किसान साथियों ज़मीन से जितना भी हम खाद देते हैं क्या वो पूरा लगता है? नहीं, वो लीचिंग हो जाता है बहुत सारा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओमेक्स एल्बर्ट सॉल्यूशन के बारे में, DAP खाद के बारे में।
ओमेक्स अल्बर्ट सॉल्यूशन तो लीचिंग होने की संभावना नहीं है, लेकिन डीएपी जो खाद है यानी 12-32-16 के जो मैं बोल रहा हूँ, डीएपी का नाम तो सामान्य प्रचलन में है, एनपीके तो कोई उसे कहता नहीं है, तो वो लीचिंग होता है। तो उसके लीचिंग की समस्या को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे पौधे को इस समय हम पत्तों के ज़रिए दे देते हैं, एक स्टार्टर ग्रेड का खाद है जो ये एनपीके 11-36-24, तो ये एक बहुत ही अच्छा खाद है। और जो जिस कंपनी का मैंने मंगाया है वो इज़राइल की कंपनी है, और आप चाहे तो यदि आपके ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आप इसका फर्टिकेशन भी कर सकते हैं, और आप यदि ड्रिप से खेती नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्प्रे के ज़रिए दे सकते हैं। तो ध्यान रहे, आपको फंगिसाइड कीटनाशक का घोल अलग बनाना है, और जो ये खाद है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो जीवाग्रो जो एक टॉनिक है बायोटॉनिक, इसका आपको अलग घोल बनाना है। जब आप स्प्रे करें उस समय 10 मिनट के लिए इन दोनों घोलों को आपको रख देना है। यदि किसी प्रकार को इफेक्ट आपको घोल में नहीं दिखाई दे तभी आपको स्प्रे करना है, क्योंकि किसान साथियों अलग अलग कंपनी के टेक्निकल आप लेते हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि कोई फंगिसाइड किसी कीटनाशक के साथ या अन्य फंगिसाइड के साथ तर्कसंगत अनुकूल है या नहीं है। इस बात का यदि परीक्षण हो जाए थोड़ी देर के लिए बाद तो हम उसका बेफिक्र से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैंने किया है इस प्रकार से, जो भी मैंने फंगिसाइड बताए हैं इनको आप मिक्स कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर और टॉनिक बताए उनका अलग घोल बना लें। इसके बाद आपको आधी टंकी पानी के भरने के बाद जो फंगिसाइड का घोल है उसको आपको पहले नाप के कूट देना है, यानी डाल देना है टंकी में, और उसके बाद आपको आधी टंकी फिर भर के जो फर्टिलाइज़र और टॉनिक का घोल है वो डाल देना है। उसके बाद आपको इनको अच्छी तरह से हिला लेना है और आराम से पूरे फिम के प्लॉट में एक समान छिड़काव करना है। किसान साथियों निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट का यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी अफीम की फसल में। जो पौधे दुबले पतले हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी अच्छी विकास होगा, उनकी जड़ों का अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो इस फर्टिलाइज़र में एनपीके का जो फॉर्मूलेशन है 11-36-24 वो इस समय यानी जब फसल फुटाव कर रही है उस समय देने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाहे आप इसका प्रयोग गेहूं की खेती में करें या चाहे अन्य जितने भी जो शाखाएं निकलने वाली फसलें हैं उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अन्य किसान मित्रों के हितों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इन प्रोडक्ट का रिज़ल्ट कैसा मिला यदि आप इसने यूज़ करते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए आप अपना अपनी फसल का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।